अस्सलाम वालेकुम वरहमल्ला आज के लेक्चर में हम सिल्वर नैनो पार्टिकल का ग्रीन सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे लेकिन ये वाला लेक्चर इससे पहले जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था सिल्वर नैनो पार्टिकल के ऊपर ही किया था ये उससे मुख्तलिफ इस तरह है कि इसमें जो हम ग्रीन सिन्थिस कर रहे हैं वो फंगी की मदद से कर रहे हैं इससे पहले हमने जो किया था वह वो प्लांट एक्सट्रैक्ट से हम सिल्वर नैनो पार्टिकल कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया था आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा कंटेंट है सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये ये सिंथेसिस क्या है देन वी विल गो टू द एडवांटेजेस ऑफ फंगल सिंथेसिस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस सिंथेसिस मैकेनिज्म में हमारे पास चूँकि दो टाइप्स हैं इसकी एक इंट्रा सेलुलर एक एक्स्ट्रा सेलूलर इन दोनों को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा तो हम बायदा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें तो आगे चलते हैं सबसे पहले आप ये देखें कि जो मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो नैनो पार्टिकल प्रोड्यूस करने के बेताहाशाह केमिकल रूट हमने डिस्कस किए हैं हमने फिजिकल रूट्स डिस्कस किए हैं लेकिन उनका डिसएडवांटेजेस केमिकल रूट्स का ये था कि दे आर दे हैव वेरी टॉक्सिक Chemicals which are um, which are basically toxic not only for human being but it also damaging the environmental condition. It it causes the environmental pollution. That's why we will say that we have to find new ways through which we can uh, we can uh, synthesize the nanoparticle. अब देखें ये सिल्वर नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करना कोई इशू नहीं है लेकिन इन दो कंडीशन के साथ अगर आप जाएं तो फिर ये बहुत सीरियस इशू बनता है कि अगर आपको पोल्यूशन फ्री ऐसा सिंथेसिस मेथड आप डेवलप करें तो उसमें ग्रीन सिंथेसिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन था जिसमें हमने प्लांट एक्सेट के थ्रू कैसे बनाते हैं ये डिस्कस किया था दूसरा जो हमने इसमें कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हैं फंगी हैं ये दोनों यूटिलाइज़ करते हैं लेकिन आज के हमारे लेक्चर का कंटेंट जो है ये फंगी है कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या मैकेनिज़्म है कि इनको हम जब यूटिलाइज़ करते हैं तो नैनोपार्टिकल बनते हैं अच्छा ये जो फंगल हैं या फंगी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम हैं इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं आपको पता है कि जितने भी नैनो पार्टिकल हम मेटल के बनाते हैं या मेटल के ऑक्साइड्स के बनाते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द दे आर सॉल्ट तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू सिंथिसाइज सिल्वर नैनो पार्टिकल देन वी वी आर बेसिकली सिंथसाइजिंग दीज नैनो पार्टिकल फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट विच इज़ सिल्वर नाइट्रेट अब ये कहता है कि जो फार्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स हैं थ्रू फंगी इट हैज़ अ वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एडवांस फीचर आप यूं कह सकें इसे आप फैसिनेटिंग फीचर कह सकें कि इसकी मदद से यू कैन basically control the size and morphology of synthesized nanoparticle. नैनो मटीरियल्स में आज अगर आप नैनो मटीरियल नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा जानते होंगे कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये साइज़ और मॉर्फोलॉजी कितना की रोल प्ले करती है और इसका कंट्रोल कितना अहम होता है और कितना मुश्किल टास्क है लेकिन ग्रीन सिंथेसिस जहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बिल्कुल बरी है वहाँ पे फंगी के तहत हम जब सिंथेसाइज़ करते हैं तो इट इट प्रोवाइड अस अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन द साइज एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल ऑफ नो वी विल मूव फॉरवर्ड और हम ये देखते हैं कि आपके पास जो नैनो uh, पार्टिकल आप बनाते हैं ग्रीन सिंथेसिस से ये ये सारे फंगी फंगल कल्चर मैंने आपको दिखाएंगे कि अगर आपने जाहिर आपने फंगी यूज़ करने हैं बिकॉज दे सेक्रीट द बायो मलिक्यूल उन बायो मालिक्यूल्स के लिए आप उसकी पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं तो देर आर वेरियस कल्चर इन विच द फंगी आर बेसिकली ग्रोन और ये मैंने आपको सिर्फ दिखाना मकसूद था आगे चलते हैं अब हम एडवाटेज़ को डिस्कस करेंगे कि वाई वी यूज़ फंगी ऑल दो बिफोर दैट वी हैव डिस्कस सम एडवाटेज बट हेयर वी वी विल डिस्कस इन डिटेल बेसिकली फंगी आर अट्रैक्टिव एजेंट्स फॉर बायोमलिक्यूल सिंथिसनो पार्टिकल बिकॉज बिकॉज दे हैव वेरी हाई टॉलरेंस टू मेटल्स वेरी हाई टॉलरेंस टू मैटल मीन्स देर आर लार्ज रेंज ऑफ मेटल्स वाइड रेंज ऑफ मेटल्स नैनो पार्टिकल कैन भी फंगी बिकॉज आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फंगी हैव नो लिमिटेशन ऑफ सम पर्टर मटीरियल यानी बहुत लोग बाद प्रोसेस होते हैं वो कुछ कुछ मखसूस ही मटीरियल तक उनके ऊपर उन लागू होते हैं लेकिन फंगी वाला मामला जो है ना ये एक बहुत बड़ी रेंज को कवर करता है तो इस वजह से इसकी हाई टॉलरेंस है और सेकेंडली ये इजी टू हैंडल है क्योंकि इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है कोई इसमें आ, ऐसा कंप्लेक्स प्रोसीजर प्रोसीजर नहीं है तो दैट वी कैन से दैट इट इज़ रियली इजी टू हैंडल फंगी सो दे दे सेक्रेट बेसिकली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स आगे जब जब हम देखेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर टर्म को हम आगे इन डिटेल देखने वाले हैं तो इस वजह से इसको फिलहाल इधर ही छोड़ते हैं अब ये जो है ये जो सेक्रेट करते हैं दे बेसिकली आर रियली हेल्पफुल टू स्टेबलाइज द नैनोपार्टिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ नैनोपार्टिकल इज अनदर मेन इशू और वी हैव टू हैव अ वेरी गुड एंड एडवांस वेज थ्रू विच वी कैन वी कैन स्टेबलाइज दीज नैनोपार्टिकल लेकिन कहता है कि इसका फंगी का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज यह है कि ये ना सिर्फ नैनो पार्टिकल बनाता है बल्कि उनको स्टेबलाइज करने में ऐसे प्रोटीन इसके साथ ये होते हैं कि जो इसको स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं थर्डली दे प्रोवाइड गुड बायोमास प्रोडक्शन एंड डू नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टेप्स टू एक्सेस द फिल्ट्रेट ये बायोमास प्रोडक्शन ज़ाहिर है इनकी जो बायो मिलक्यूल्स की सिक्रीशन है ये बहुत ज़्यादा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये बायोमास प्रोडक्शन है और इनकी कोई एडिशनल स्टेप्स नहीं ज़रूरत होती आपने कोई बहुत ज्यादा कंप्लेक्स स्टेप करने हों फिल्ट्रेट करने हो इस बायो मेक्यूल में जबकि प्लांट में आपने देखा था कि आपको ये स्टेप्स करने पड़ते थे तो फंगल एनालिसिस में या सिंथेसिस में ये वाला काम नहीं है अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के यहां पर देखते हैं कि इसकी और क्या एडवांटेज हैं ये कहता है बाय एडजस्टिंग द कल्चरल कंडीशन सच एज टाइम टेम्परेचर पी एच एंड क्वान्टिटी ऑफ बायोमास एंड अमंग अदर्स इट इज पॉसिबल टू मैनिपुलेट द मेटाबोलिज्म ऑफ फंगी सो एज टू ऑप्टीन नैनो पार्टिकल विद डिजायर करेक्टरिस्टिक्स ए स्पेसिफिक साइज एंड मॉर्फोलॉजी यह कहता है कि अगर आप इन कंडीशन को कंट्रोल कर लें आप जानते हैं कि ये वाली कंडीशन हमने इनके क्या असरात होते हैं हमने इससे पिछली वीडियो में जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल डिस्कस कर रहे थे ग्रीन सिंथिस में इन डिटेल देखा था कि इनके क्या असरात होते हैं तो इन पैरामीटर्स के तहत अगर आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं साइज और मॉर्फोलोजी ऑफ सिंथसाइज सिल्वर नैनो पार्टिकल तो आप कर सकते हैं और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं फंगी हैव एडवांटेजेस ओवर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर इंस्टेंस बैक्टीरिया है वो क्या कहते हैं लार्ज क्वांटिटी है मिसाल के तौर पे अगर आपके पास स्मॉल पॉपुलेशन है फंगी की तो आप इसके नतीजे में जो आपको एंड प्रोडक्ट इसने देना है स्क्रीट करना है जो एंजाइम्स इसने देने हैं जो बायोमालिक्यूल देने हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो जाहिर है ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो आपका प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होगा और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी है तो सस्टेनेबल सस्टेनेबलो पार्टी इज रियली इम्पॉर्टेंट ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कास्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं तो इस वजह से ये फायदे हैं अब हम ये तीसरा और आखिरी स्लाइड है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इसमें हम ये दे, देखने जा रहे हैं कि वाट इज सिंथसिस मैकेनिज्म देखें यहाँ पे ये आपके पास फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कुछ आ, जो हेल्पफुल है क्या करते हैं कि आपके पास आ, अगर आपने मेटल के नैनो पार्टिकल बनाने हैं तो आप सबसे पहले तो इस मेटल का सॉल्ट साल्ट बन, सॉल्यूशन बना लेंगे फॉर इंस्टेंस हम सिल्वर के नैनो पार्टिकल बनाना चाह रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा मैं सिल्वर नाइट्रेट को लूँगा और इसे इधर यहाँ पर वाटर में इसका सोल्यूशन बना लूँगा यहाँ पे ये यह सोल्यूशन मेरे पास पड़ा होगा जिसमें सिल्वर सिल्वर आयन की शक्ल में मौजूद होगा ये पहला स्टेप है दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे इसका रिएक्शन कराएंगे यानी ये वाला जो फंगी ग्रोथ है इसका और इसको मिक्स करेंगे और इसके मिक्स करने के नतीजे में ये होगा कि आपके पास जो आ, आ, सेल है जो आपके पास ये वाला जो सेल है आप ये समझें कि ये एक सेल है जो जिसने इस सिल्वर आयन को यहाँ पे सिल्वर आयन सोल्यूशन में सिल्वर आयन पड़ा है ना इस सिल्वर आयन को रिड्यूस करना है तो दो तरीके हैं पहला तरीका यह है कि जिसे हम कहते हैं इंट्रा नैनोपार्टिकल नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन कि ये वाला जो सिल्वर आयन है सपोज ये एबजॉर्बेशन ऑफ मालिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये वाला सिल्वर आयन है ठीक है ये सिल्वर आयन और ये पूरा का पूरा ये सेल है ये सेल के अंदर इंटर होंगे और यहां पे ये वाले जो स्टार में आपको ये वाले नजर आ रहे हैं ये वो बेसिकली मालिक्यूज हैं जो ये रिलीज करेगा ये मालिक्यूल इस इन होने वाले इस पार्टिकल को आयन को रिड्यूस करेंगे और सिल्वर नैनो पार्टिकल बन जाएंगे इसे कहते हैं इंट्रा सेलूर दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर कि उसमें ये बायोमालिक्यूल खुद सेल से बाहर आते हैं और यहां पर पड़े हुए इन मेटल आयन को रिड्यूस कराते हैं और रिडक्शन के नतीजे में आपके पास इस तरह के मेटल नैनो पार्टिकल बन जाते हैं लेकिन इन दोनों में याद रखने वाली बात यह कि इंट्रा सेलूलर में जाहिर है जब पार्टिकल अंदर बन गए तो हमें इन्हें निकालना है जो कि एक्स्ट्रा स्टेप जरूरत है और इसमें ये वाला काम नहीं है तो ये वाला ज्यादा प्रेफर्ड है एक्स्ट्रा सेलूलर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और ये बहुत ज्यादा कॉमन है इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपके नैनो पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए फिर एक्सेस स्टेप्स करने पड़ते हैं जो कि डिफिकल्ट टास्क है एनर्जी कंजम्पशन और कास्ट को इन्फ्लुएंस करते है।